नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनविद स्टडी कर रहे हैं। कौन सा फैसला? वो फैसला जो अंतरिम जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए हुआ है। तो बहुत सारे लोग उस फैसले की स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कुछ खास फैक्ट मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब केजरीवाल की राह आसान कर देगा। देखिए, ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं ना, वो बहुत सॉलिड है। उससे शायद ही अरविंद केजरीवाल को कानून से कोई बचा सके। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो सबूत क्या है, वो कौन सा नोट है जिसने अरविंद केजरीवाल के आने वाले दिन जो हैं मुश्किलों भरे कर दिए हैं, वो कौन से सबूत हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की राह बहुत मुश्किल कर दी है। आगे बढ़ने से पहले वही आग्रह, वही विनम्र निवेदन, आप सभी एमबीएन नेटवर्क पर अपना स्नेह बनाए रखिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत खास है। तो बात हो रही थी ईडी के सबूतों की। वैसे ईडी के केस में जमानत मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि अब सीबीआई रह गई है। लेकिन नहीं, उससे भी अभिषेक मनु सिग्नी जो है निपट लेंगे। सीबीआई से भी जो ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी शराब घोटाले के जरिए तो अरविंद केजरीवाल की डायरी का, कहना चाहिए कि घोटालों की डायरी का पहला पृष्ठ खुला है। अभी तो कई और घोटाले हैं। अगेन, न केवल ईडी सीबीआई, बल्कि आप आगे देखेंगे आने वाले समय में, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एनआईए की भी एंट्री होगी, जिसमें पन्नू से लिए पैसे का हिसाब होगा, विदेशों से ली गई फंडिंग का हिसाब होगा। तो कुल मिलाकर के रास्ता जो है बहुत ही मुश्किलों भरा है। वो कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो यही हाल अरविंद केजरीवाल का भी है कि उन्हें न्याय मिले तो कैसे मिले, क्योंकि कुकर्म ऐसे किए हुए हैं, घोटाले ऐसे किए हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आपको पता ही है कि जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने राहुल जवानी कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके खिलाफ सबूत पेश किए, पूरे हवाला नेटवर्क को खंगाल करके रख दिया, उन सबकी जानकारी दी गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करती हूँ, अगर आप उनसे कुछ चीज़ों को समझ सकें तो। आप देखिए, ये चैट है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये चैट क्या कहती है। अब ऐसे कई सबूत हैं। अगेन वन मोर चैट, ये चैट देखिए, इनमें नाम आप खुद पढ़िए किन का नाम लिखा हुआ है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। ये जो जांच चल रही है, अभी तक ये कहा जा रहा था कि ईडी के पास प्रूफ नहीं है, तो ये केवल एक वानगी भर है। सबूत और भी बहुत हैं और डिजिटल प्रूफ बहुत सारे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए सबूत पेश किए गए हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी के सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी गई हैं जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हवाला नेटवर्क के माध्यम से कैश ट्रांसफर के टोकन की कॉपी से जुड़े हुए सबूत दिए गए हैं। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें ये बताया गया है
कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी सारे स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। एकाद मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट क्या कहता है। हवाला में इसी तरीके से ट्रांसैक्शन होता है पैसे का। अब ये देखिए कि ये जो नोट है, इसका नंबर, जो स्क्रीनशॉट अभी मैंने आपको दिखाया है, जो कि इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे, 1 रुपए के नोट पर उसके नंबर के माध्यम से हवाला का कैश गोवा भेजा गया। अब इसके अलावा 100 रुपए के नोट के माध्यम से भी इसी तर्ज पर हवाला का पैसा गोवा पहुंचा था। ईडी का ये कहना है कि ये स्क्रीनशॉट बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के द्वारा गोवा के चुनाव में किया गया। आपको ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन अभी तक दोस्तों बात ये होती थी कि ईडी के पास शायद से सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो वैसे ही फंसाया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हवाला के जरिए गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चंद्रप्रीत, जिसे अरेस्ट कर लिया गया था करीब 3 महीने पहले, वो मैनेज कर रहा था कि पैसे को किसे देना है, कैसे रखना है, क्या करना है। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर के विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई है, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों भरे बैग अलग अलग तारीख में विनोद चौहान को पहुंचाए, उनका भी बयान ईडी ने दर्ज किया हुआ है। अब ये कहना गलत है कि ईडी के पास मनी ट्रेल नहीं है। अभी तक यही आप सुनते आ रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल के केस में मनी ट्रेल कहाँ है। तो ये जो मैंने आपको दिखा दिया है, यही काफ़ी है मनी ट्रेल के लिए, लेकिन इससे 100 गुना ज़्यादा सबूत अभी ईडी के पास मौजूद है, जो ऑलरेडी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी प्रस्तुत कर चुके हैं। और ईडी का ये भी कहना है कि ये मनी ट्रेल सीधे तौर पे साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित आय को साउथ ब्लॉक को बतौर रिश्वत दिया गया। कितना बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल ने खेला, लेकिन कहीं सिग्नेचर नहीं, कहीं किसी फाइल में उनकी कंसेंट नहीं। तो अरविंद केजरीवाल यही समझते रहे कि उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे। और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच में जो व्हाट्सएप चैट है, जो मैंने अभी दिखाया है, और जो हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट है, वो भी मैंने आपको दिखाया। एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नोट देख पा रहे होंगे आप। तो ये हवाला का टोकन मनी का स्क्रीनशॉट है। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के कविता सहित कई लोग तिहाड़ में बंद हैं, और केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में निचली अदालत से बेल मिल चुकी है। हालांकि इसी पर अंतरिम रोक लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, शुक्रवार 22 जुलाई को। हालांकि इस जमानत के कोई मायने नहीं है, कहने को बेल है, लेकिन असल में तो केजरीवाल जेल में ही है ना। तो अब चूंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकार नीति में सीबीआई द्वारा मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। आपको मैं हर बार ये बताती हूँ कि 2 केस अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं, 1 सीबीआई का, 1 ईडी का, और ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली है। अब वो अंतरिम जमानत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अभी सीबीआई के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल हैं, यानी कि उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई की ओर से भी रिकमेंड की हुई है, इसीलिए वो तिहाड़ में है। एक बंदा 2-2 केसेस में तिहाड़ में है। तो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया है, मुख्य सरगना बताया है, और राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने ये कहा था कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर कई शराब निर्माताओं
और व्यापारियों के संपर्क में थे और अबकर नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आने वाले जो दिन हैं अरविंद केजरीवाल के लिए आसान होने वाले नहीं हैं। सीबीआई ने अपने पिछले चार्जशीट में भी ये कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 44 करोड़ से ज़्यादा की राशि जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान हवाला चैनल्स के माध्यम से गोवा में ट्रांसफ़र की गई थी। इन पैसों का उपयोग वहां के विधानसभा चुनाव अभियान में पार्टी का जो प्रचार प्रसार होता है उसमें किया गया। अब समझने की बात यह है कि जब वोटर्स को प्रचार करने वाले लोगों को तो लिख कर नहीं लेंगे ना, और लेना भी नहीं था, तो वो सब पैसा ऐसे ही बांटा गया, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरीके से वो हवाला के जरिए पहुंचा, कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं, उसी तरीके से उसको बांट दिया पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो राहुल जवानी कोर्ट का निर्णय आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको अंतरिम जमानत तो दे दी है, क्योंकि अब देखिए कोर्ट भी थोड़ा सा संवेदनशील होता है। उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन से लगातार तिहाड़ में हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने उनको अंतरिम जमानत दे दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी उठाए हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि ये अब अरविंद केजरीवाल तय करें कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं। अब देखिए, जो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी प्रोफाइल में मंत्री है, उसको ये कोई नहीं कह सकता कि आप रिज़ाइन करिए। ये उनकी नैतिकता पे डिपेंड करता है कि वो रिज़ाइन दे या ना दे। अब नैतिकता की अगर मैं बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल में तो कहीं दूर दूर तक नैतिकता दिखाई नहीं देती है, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये कहा है कि हम इस तथ्य से अवगत है कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता है, लेकिन वो पिछले 90 दिन से कारावास में है, तो ये सोच के उन्होंने शायद अंतरिम जमानत दी है। लेकिन यही वो कोर्ट है जिसने पहले भी चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अब सब लोग इस बात पे आश्चर्य तो व्यक्त कर ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमेशा अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों मिलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और इस पे आने वाले दिनों में लोग अब सुनेंगे कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब भले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी ईडी के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया हुआ था, उसी मामले में दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। अब उस मामले की 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा जो मैस किया हुआ है अरविंद केजरीवाल के केसेस में, हर दूसरे दिन किसी ना किसी केस की सुनवाई होती है, और इसी बीच कोई ना कोई ऐसा वो किस्सा सामने ला देते हैं कि आपके साथ बात करनी ही पड़ती है। अब 17 जुलाई को फिर से, और उससे पहले 15 जुलाई को फिर से सुनवाई है। मतलब कितने केस हैं, कितनी जगह पे जमानत के लिए बात चल रही है, कितनी, अब इसमें सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। अब आप इमेजिन करिए कि जिस दिन एनआईए की एंट्री हो जाएगी, तो फिर तो मतलब वो ये इस चक्कर काटते रहेंगे, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी तो मतलब ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो उनकी जो क्राइम की डायरी है उसका पहला पन्ना खुला है, अभी और पन्ने खुलने बाकी हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जो आज अंतरिम जमानत की बात की जा रही है ना, कि उनको जमानत मिल गई है तो वो आज़ाद हो जाएंगे, तो उनकी आज़ादी पे बातचीत चल रही है कि उनको 90 दिन से वो अंदर हैं, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, बला बला। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में उनकी राह आसान नहीं है। मैंने आपको वो सब प्रूफ भी दिखाए हैं, हालांकि प्रूफ इससे 100 गुना ज़्यादा है जो अभी किसी के पास है नहीं,
जो ईडी ने कोर्ट में रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें ईडी की तरफ से भी निकल के आती रहती हैं छन छन करके, जो मीडिया में कभी कभी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने मेरे कंटेंट को किस तरीके से लिया है, कितना पसंद किया है, एंड अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।